करेंसी सी नोटों पर छपी मुस्कुराते हुए गांधी जी की तस्वीर को आप रोज़ ही देखते होंगे। वैसे देखा जाए तो यही एक ही तस्वीर है जो महात्मा गांधी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में उभरती है, लेकिन क्या आप इस तस्वीर के बारे में पर्याप्त जानते हैं? जैसे कि ये कब खींची गई थी, कहाँ खींची गई थी, इस वक्त गांधी जी किसके साथ थे, वगैरह वगैरह, शायद आपको जानकारी ना हो। बहुत से लोगों तो इसे गांधी जी का कैरिकेचर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक वास्तविक तस्वीर है। इस तस्वीर में से गांधी जी का चेहरा क्रॉप किया गया है जिसे नोटों पर छपा जाता है। इस तस्वीर में गांधी जी के साथ जो खड़े हैं उनका नाम है लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम्स पैथिक लॉरेंस, जो एक ब्रिटिश राजनेता थे। इन्होंने ब्रिटेन में पहला मताधिकार के समर्थन में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में के वर्षों में आंदोलन चलाया था। बाद में ये भारत और बर्मा के सेक्रेटरी भी रहे थे। यह तस्वीर अज्ञात फोटोग्राफर द्वारा 1946 में तत्कालीन वाइस रॉय हाउस में खींची गई थी, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर में गांधी जी का चेहरा क्रॉप करके बैंक नोट्स के ऊपर छाप जाने लगा है। 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत की थी। हालांकि इससे पहले 1987 में 500 के नोट के ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी, लेकिन वह इस सीरीज का नोट नहीं था। वेलकम फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे मैकवी न्यूज़ चैनल से। इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें।